नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा विषय राजस्थान की स्थापत्य कला। स्थापत्य कला तो सबसे पहले पढ़ेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग। चलिए स्टार्ट करते हैं। दुर्ग का नाम मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। मारवाड़ क्षेत्र जहां पर राठौड़ वंश था राजवंश, इसी राठौड़ वंश का शासक का नाम होता है राव जोधा। इसका निर्माण राव जोधा द्वारा किया गया। राव जोधा का निर्माता 13 मई 1459 इस दिन निर्माण नींव रखी गई इस मेहरानगढ़ दुर्ग की। मेहरानगढ़ दुर्ग के बहुत सारे उपनाम भी हैं। इस मेहरानगढ़ दुर्ग को गढ़ चिंतामणि नाम से जानते हैं। गढ़ चिंतामणि इसी मेहरानगढ़ दुर्ग का उपनाम मयूर ध्वजगढ़। इस मेहरानगढ़ दुर्ग जिस पहाड़ी पर स्थित है उस पहाड़ी का नाम है चिड़िया टूक पहाड़ी की वजह से इसका उपनाम आता है चिड़िया टूक गढ़। एक उपनाम काग मुखी भी आता है इसका, सूर्यगढ़ काग मुखी। ये दोनों भी उपनाम इस मेहरानगढ़ दुर्ग के आते हैं। इस मेहरानगढ़ दुर्ग जहां पर राठौड़ राजवंश का अधिकार था, निर्माता राठौड़ वंश का राव जोधा था। मारवाड़ क्षेत्र पर जहां पर राजवंश राठौड़ राजवंश है, क्षेत्र मारवाड़। इस मारवाड़ क्षेत्र पर राजवंश है राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा संस्थापक है और इसी का वंशज है राव जोधा। और राव जोधा द्वारा इस मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया। इस राठौड़ वंश की कुलदेवी का नाम है नागणेची माता। का मुख्य रूप से मंदिर नगाना धाम बाड़मेर में है। अन्य मंदिर जोधपुर और बीकानेर, अन्य मंदिर इसके नागणेची माता के जोधपुर और बीकानेर में स्थित हैं। राठौड़ वंश की कुल देवी है नागणेची माता। इसी राठौड़ वंश की आराध्य देवी जिसका नाम है चामुंडा माता जिसका मंदिर इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। चामुंडा माता मंदिर जहां पर एक बार हादसा भी होता है, मंदिर के अंदर भगदड़ मच जाती है नवरात्रा के समय, लगभग 217 लोगों की जान जाती है। इस हादसे की जांच के लिए एक समिति बैठाई जाती है जसराज चोपड़ा आयोग। तो माता है चामुंडा माता जो आराध्य देवी है इसी राठौड़ वंश की आराध्य देवी कुल देवी नागणेची माता। क्षेत्र है मारवाड़ क्षेत्र। इस मारवाड़ क्षेत्र से भाषा बोली जाती है मारवाड़ी भाषा बोली जाती है यहाँ पर। राजवंश है राठौड़ राजवंश, संस्थापक राव सिंहा। इसी क्रम में आगे राव जोधा शासक बनता है और उसने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद इस मेहरानगढ़ दुर्ग में बहुत सारी तोपें रखी गई हैं जो पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोपें जिस प्रकार हैं, यहां पर रखी गई तोप किल किला तोप स्थित है दुर्ग में। शंभू बाण, बिच्छू बाण, किल किला, शंभू बाण, बिच्छू बाण, कड़क बिजली तोप इसी दुर्ग में स्थित है। गजनी खान गजनी तो इसी दुर्ग में है। गजक धूड़ दाणी तो बगस वाहन तो
गुब्बार, नुसरत, व्याधि, व्याधि, ये सारी तोपे इसी दुर्ग के अंदर स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोपे इतनी सारी जो पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोपे इस प्रकार है। इसी मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार मुख्य रूप से दो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार मुख्य रूप से दो प्रवेश द्वार है, जयपोल, जयपोल और फतेहपोल। जयपोल का निर्माण मानसिंह द्वारा किया गया, मानसिंह राठौड़ ने जयपोल का निर्माण करवाया 1808 ईस्वी में। फतेहपोल का निर्माता अजीत सिंह 1707 ईस्वी में अजीत सिंह ने निर्माण कराया फतेहपोल का। इनके अलावा कुछ अन्य पोल भी हैं इस मेहरानगढ़ दुर्ग के, अन्य प्रवेश द्वार भी हैं। अन्य प्रवेश द्वार में सूरज पोल, अन्य पोल है इस मेहरानगढ़ दुर्ग के। मुख्य रूप से दो प्रवेश द्वार है, जयपोल फतेहपोल, जयपोल का निर्माता मान सिंह, फतेहपोल का निर्माता अजीत सिंह। इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में हादसे दो बार होते हैं, दो हादसे होते हैं। पहला हादसा 1857 में इस दुर्ग के ऊपर बिजली गिर जाती है, दुर्ग क्षतिग्रस्त होता है। दुर्ग मरम्मत का काम तत्कालीन शासक तखत सिंह द्वारा करवाया जाता है, दुर्ग मरम्मत का काम करवाया जाता है तखत सिंह, तखत सिंह। इस तखत सिंह का एक ऐतिहासिक प्रश्न और बनता है, इसी तखत सिंह ने मारवाड़ का वह शासक जिसने अंग्रेजों की सहायता की 1857 क्रांति में, यही तखत सिंह है जिसने 1857 क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की थी। इसी तखत सिंह द्वारा दुर्ग मरम्मत का काम करवाया जाता है 1857, पहला हादसा। दूसरा हादसा 2008 चामुंडा माता मंदिर में भद्र मच जाती है। इस मंदिर के अंदर नवरात्र के समय भद्र मच जाती है, लगभग 217 लोगों की जान जाती है। जसराज चोपड़ा आयोग, जसराज चोपड़ा आयोग एक समिति गठित की जाती है इस हादसे की जांच के लिए। दो हादसे होते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। राजस्थान का पहला दुर्ग है जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ, राजस्थान का पहला डाक टिकट, राजस्थान का ऐसा पहला दुर्ग जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ वो दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग है, पहला दुर्ग राजस्थान का जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। लगभग 2 रुपए का डाक टिकट जारी होता है, 2 रुपए का डाक टिकट इस दुर्ग पर जारी होता है। मेहरानगढ़ दुर्ग, इस दुर्ग के अंदर दो तालाब मुख्य रूप से बने हुए हैं, एक तालाब मुख्य रूप से दो तालाब बने गए हैं। दुर्ग में स्थित तालाब, एक तालाब जिसका नाम है पदमसर तालाब, दूसरा तालाब रानीसर तालाब, इस रानीसर तालाब का निर्माण राव जोधा की पत्नी जसमाते हाडी ने करवाया, राव जोधा की पत्नी जसमाते हाडी द्वारा इसका तालाब का निर्माण कराया गया। रानीसर तालाब, पदमसर तालाब का निर्माण राव गांधेव की पत्नी पद्मावती द्वारा, गांधेव की पत्नी पद्मावती द्वारा पदमसर तालाब का निर्माण कराया गया। इस प्रकार मुख्य रूप से दो तालाब इस दुर्ग के अंदर स्थित है, पदमसर तालाब और रानीसर तालाब। इसी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर महल जो स्थित है, मोती महल, एक महल स्थित है मोती महल, फूल महल, सिंगार महल और फतेह महल, फतेह महल
चार मुख्य रूप से महल स्थित है। मोती महल का निर्माण सूर सिंह द्वारा करवाया गया, जोधपुर के शासक सूर सिंह जिसको सवाई की उपाधि दी गई, इसी सूर सिंह द्वारा मोती महल का निर्माण करवाया गया। फूल महल, सिंगार महल, फतेह महल। फूल महल का निर्माण अभय सिंह द्वारा करवाया गया, अभय सिंह अजीत सिंह का पुत्र अभय सिंह, इसके द्वारा फूल महल का निर्माण कराया जा रहा है। शासक है अजीत सिंह, इस अजीत सिंह द्वारा फतेह महल का निर्माण कराया जाता है। अजीत सिंह के दो पुत्र हैं, बड़े पुत्र का नाम अभय सिंह, अभय सिंह, छोटे पुत्र का नाम बखत सिंह। अजीत सिंह द्वारा फतेह महल का निर्माण कराया जाता है, अभय सिंह द्वारा फूल महल का निर्माण कराया जाता है, बखत सिंह द्वारा सिंगार महल का निर्माण कराया जाता है। इस सिंगार महल का निर्माण बखत सिंह ने करवाया, फतेह महल का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया। पिता पुत्र की जोड़ी, पिता का नाम अजीत सिंह, पुत्र दो है अभय सिंह और भगत सिंह। यहाँ पर मारवाड़ का दूसरा पितृ अंता है भगत सिंह, इस भगत सिंह ने कर दी थी अजीत सिंह की हत्या। पितृ अंता की बात करूं अगर मारवाड़ में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या दो प्रश्न बनते हैं पितृ अंता के, मारवाड़ के दो पितृ अंता हुए। पहला पुत्र इसका नाम है मालदेव, मालदेव ने अपने पिता गांगदेव की हत्या कर दी, गांगदेव की हत्या कर दी। तो मारवाड़ का पहला पितृ अंता मालदेव, मारवाड़ का दूसरा पितृ अंता बखत सिंह, बखत सिंह द्वारा अजीत सिंह की हत्या कर दी जाती है। तो मारवाड़ के दो पितृ अंता, इसी मारवाड़ के इतिहास के अंदर अजीत सिंह का पुत्र बखत सिंह द्वारा कर दी जाती है हत्या पिता की। मारवाड़ का दूसरा पितृ अंता बखत सिंह, पहला पितृ अंता मालदेव, एक पितृ अंता तो पूछा था एग्जाम्स में। यहाँ पर अजीत सिंह ने निर्माण कराया फतेह महल का, बखत सिंह ने निर्माण कराया सिंगार महल का, अभय सिंह ने निर्माण कराया फूल महल का। इसी अभय सिंह के समकालीन एक घटनाक्रम और आता है। इसी अभय सिंह ने, अभय सिंह के समकालीन राजस्थान में आंदोलन हुआ चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, टाइमिंग लगभग 1730। खेजड़ी वृक्ष आंदोलन दूसरा नाम आता है, खेजड़ी वृक्ष आंदोलन, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, बिश्नोई के नेतृत्व में महिलाओं ने लगभग 363 लोगों की जान जाती है। यहाँ पर इस आंदोलन में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी ने त्याग किया, नेतृत्व किया महिलाओं पर, आंदोलन हुआ चिपको आंदोलन। ये घटनाक्रम भी अभय सिंह के साथ समकालीन होता है। तो ये घटनाक्रम जो पूछा जाता है यहाँ पर, शासक है अजीत सिंह, अजीत सिंह के पुत्र दो है अभय सिंह और भगत सिंह। अभय सिंह, अभय सिंह द्वारा निर्माण किया जाता है फूल महल का, भगत सिंह द्वारा निर्माण किया जाता है सिंगार महल का, अजीत सिंह द्वारा फतेह महल का निर्माण किया जाता है। ये चार महल इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में ऐतिहासिक एक घटनाक्रम जहां पर दिल्ली का शासक था शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर अटैक कर दिया, जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग पर अटैक कर दिया, और उसमें मारवाड़ का शासक था मालदेव। मालदेव युद्ध से भाग जाता है, मालदेव के दो सेनापति है जैता और कुंपा, जैता कुंपा, ये दो सेनापति, दो सेनापति युद्ध में मारे जाते हैं। युद्ध हुआ गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ 5 जनवरी 1544 5 जनवरी इस दिन युद्ध होता है। 4 जनवरी को मालदेव भाग जाता है यहां से, युद्ध से शेरशाह सूरी युद्ध का विजेता होता है। इस युद्ध के लिए एक बार के लिए शेरशाह सूरी की हार लगभग निश्चित थी। शेरशाह सूरी को इतना कहना पड़ा इस युद्ध के लिए स्टेटमेंट, मैं एक मुट्ठी मालदेव के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को देता, ऐसा स्टेटमेंट इस युद्ध के दौरान दिया गया शेरशाह सूरी द्वारा। युद्ध हुआ गिरी सुमेल का। इस युद्ध के बाद मेहरानगढ़ दुर्ग पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया लगभग 1544 में शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया मेहरानगढ़ दुर्ग पर। इसी समय शेरशाह सूरी ने दो प्रशासक नियुक्त किए इस मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए, जोधपुर प्रांत के लिए। एक प्रशासक का नाम था खवास खां, खवास खां। दूसरे प्रशासक का नाम है ईसा खां। दो प्रशासक नियुक्त किए इस शेरशाह सूरी ने, ईसा खां, खवास खां, ईसा खां और खवास खां। 1544 की बात, लगभग एक साल बाद मालदेव पुनः अटैक करता है यहां पर, और
मारवाड़ को जीत लेता है, मेहरानगढ़ को जीत लेता है, 1545 में पूरा मारवाड़ का राजा बन जाता है मालदीप। 1544 में शेरशाह सूरी का दिया होता है, लगभग एक साल बाद मालदीप पूरा जीत लेता है मारवाड़। एक घटनाक्रम यह आता है। दूसरा ऐतिहासिक घटनाक्रम यहाँ पर, इस मालदेव के पुत्र का नाम है चंद्रसेन। चंद्रसेन शासक बनता है मारवाड़ का, उसी के समकालीन दिल्ली पे अधिकार होता है अकबर का। अकबर जहाँ की राजस्थान के लिए एक नागौर दरबार लगवाता है 1570 में, जहां पर सारे राजाओं को अकबर की अधीनता स्वीकार करनी होती है। इसी क्रम में मारवाड़ का शासक चंद्रसेन जाता है अकबर के नागौर दरबार में, जहां बिना अधीनता स्वीकार किए चंद्रसेन वापस आ जाता है नागौर दरबार से। तो नागौर दरबार लगाया गया 1570 में। इस नागौर दरबार में बिना अधीनता स्वीकार किए चंद्रसेन वापस लौट जाता है नागौर दरबार। अकबर लगवाता है बारमल की सहायता से, और बिना अधीनता स्वीकार किए लौटने की वजह से अकबर नाराज हो जाता है। अकबर द्वारा एक सेनापति भेजा जाता है मारवाड़ पर, सेनापति का नाम है हुसैन कुली खां। हुसैन कुली खां अकबर द्वारा भेजा गया पहला सेनापति मारवाड़ पे हुसैन कुली खां। अटैक करता है मारवाड़ पे, चंद्रसेन वहां से भाग जाता है। मारवाड़ पर अधिकार होता है अकबर का। उसके बाद अकबर इस मारवाड़ क्षेत्र के लिए एक प्रशासक नियुक्त करता है, एक सूबेदार नियुक्त करता है बीकानेर के शासक। इस नागौर दरबार में बीकानेर के शासक कल्याणमल अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। कल्याणमल के दो पुत्र होते हैं राय सिंह और पृथ्वीराज। राय सिंह द्वारा बीकानेर के शासक राय सिंह को अकबर द्वारा मारवाड़ का सूबेदार बनाया जाता है। मारवाड़ का सूबेदार, इस मेहरानगढ़ का सूबेदार बनाया जाता है राय सिंह को। राय सिंह को लगभग 1572 में राय सिंह को मारवाड़ का सूबेदार बनाया जाता है। तो ये पूरा ऐतिहासिक घटनाक्रम आता है, जहां पर अकबर शासक होता है दिल्ली का, मारवाड़ का शासक होता है चंद्रसेन, अधीनता स्वीकार करने के लिए आता है नागौर दरबार में अपने भाइयों के कहने पर बिना अधीनता स्वीकार के वापस चला जाता है। और इस वजह से अकबर नाराज होता है। अकबर द्वारा एक सेनापति भेजा जाता है मारवाड़ में, हुसैन कुली खां। हुसैन कुली खां जहां अटैक करता है मारवाड़ पे, चंद्रसेन वहां से भाग जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग पे अधिकार अकबर का हो जाता है, और अकबर द्वारा इस मेहरानगढ़ दुर्ग का मारवाड़ का सूबेदार बनाया जाता है राय सिंह को। एक घटनाक्रम ऐसे सिखाता है यहाँ पर। इसके अलावा इस मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित इस शेरशाह सूरी की मस्जिद भी इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में इस मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित बहुत सारी चीजें जो भी करते हैं, इस मेहरानगढ़ दुर्ग में पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय स्थित है। पुस्तकालय स्थित है जिसका निर्माण मान सिंह द्वारा कराया गया। इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में कीरत सिंह सोडा की छतरी स्थित है। कीरत सिंह सोडा की छतरी, कीरत सिंह सोडा की छतरी, गांगेलाव तालाब, बाईजी का तालाब, भूरे खां की मजार, भूरे खां की मजार स्थित है। इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में शेरशाह सूरी की मस्जिद स्थित है। इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में एक शासक जसवंत सिंह द्वितीय हुआ मारवाड़ का। जसवंत सिंह द्वितीय जिसने जसवंत सागर बांध बनाया, इसी जसवंत सिंह द्वितीय के पुत्र का नाम था सरदार सिंह। जसवंत सिंह द्वितीय के मरने के बाद पुत्र सरदार सिंह ने अपने पिता की याद में जसवंत थड़ा का निर्माण कराया। वो जसवंत थड़ा भी इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंत थड़ा। यह मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है।
इसी मेहरानगढ़ दुर्ग ने मंदिर मुख्य रूप से चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। एक तो चामुंडा माता का मंदिर इस चामुंडा माता मंदिर जो कि आराध्य देवी है राठौड़ों की आराध्य देवी, स्थापित का योगदान मेहरानगढ़ दुर्ग का आज हमने पूरी परिचय किया मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।